में भागीदार सभी युवाओं, मेरी प्यारी बहनों, आपको आज 63 दिन शायद हो गए और ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था। मुझे पहले दिन से आपके संघर्ष के लिए, आपकी मांगों का पता था। यहाँ 12 जिले से भी बहुत सारे छात्र आपके बीच में आए हुए हैं। छात्र राजनीति के दौरान जो छात्र मिले और जो मेरे से जुड़े, उनके भी कई बार फोन आए कि भाई साहब एक बार हमारे बीच में आ जाओ और आपका हम समर्थन मांगना चाहते, समर्थन लेना चाहते। मैंने उनसे कहा कि राजस्थान की राजनीति के जितने भी लड़ाकू हैं, जितने भी संघर्ष के परिचायक हैं, वो आपके बीच में आ चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब भी आपके बीच में आए, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जी भी आपके बीच में आए, बलजीत जी यादव भी आपके बीच में आए, जिनके मन में दया भाव है, जिनको लगता है कि जब कभी भी कोई राजस्थान में परेशान हो, समस्या ग्रस्त हो, तो उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, तो जिन जिनके मन में भावना थी वो सब आपके बीच में आए। मैं देख रहा था कि राजस्थान में जो संगठनों की राजनीति करते हैं, जो वोटों की राजनीति करते हैं, जो केवल वोटों के लिए चुनावी राजनीति के लिए राजस्थान की राजनीति में है, वो कोई भी व्यक्ति आपको ना तो समर्थन देने आया ना आपके पक्ष में आया। मैं इसलिए आपके बीच में नहीं आना था, मैंने मना किया, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं भूखा नहीं हूं भाषण का, मैं भूखा नहीं हूं मंच का, क्योंकि मैं जब किसी आंदोलन में कूदू, किसी का समर्थन करूं, तो केवल मात्र समर्थन करने से और केवल मात्र भाषण देने से मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, मेरा फर्ज पूरा नहीं हो जाता। इसलिए मैं आपके बीच में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है आपका छात्र जीवन है, अभी आपका नया नया जीवन है, और जब मैं अगर आपके आंदोलन में आऊं, और मुझे पता है जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, और मैं जानता हूं कि कई बार मैंने ये देखा है, ये सरकारें जब तक नहीं झुकती है, सरकारें जब तक आपकी मांगों को नहीं मानती, जब तक सरकारों को नफा नुकसान का पता नहीं हो, जब तक सरकारों को डर नहीं हो। मैंने कर्नल भैंसला का आंदोलन भी देखा है, जब कर्नल भैंसला ने आंदोलन किया और जब वो ट्रैक पर बैठा, सड़क की पटरी पर बैठा, तब उसको कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन जब उन्होंने बलिदान दिया तो पूरे देश ने सुना, पूरी सरकारों ने सुना। आपकी पूरी तपती धूप में, पूरी गर्मी को आपने इस मंच से, इस जयपुर के बीच में शहीद के इस स्मारक में बैठकर आपने पूरी गर्मी निकाल दी, पूरी तपती धूप निकाल दी। मैं मेरी बहन बेटियों को देखता हूँ, मुझे दुख होता है कि हमारी बहन बेटी हमारी घर की इज्जत, जयपुर की धरती पर बैठी है और इस सरकार से भीख मांग रही है कि हमें संविधान का पूरा हमारा हक दे दो, लेकिन कोई आपकी सुन नहीं रहा। मेरी प्यारी बहनों, मैंने छात्र जीवन में हूँ, छात्र राजनीति की थी, एक बार 96 दल छिन्न में लड़कियां इस जयपुर में इस राजस्थान सरकार से न्याय मांग रही थी, और न्याय किस बात का मांग रही थी, वो छिन्न में बच्चियां, वो छिन्न में बच्चियां जिनको बीएड कॉलेज अलॉट कर दिए गए, उन्होंने पूरे साल बीएड करी, और जब उन्होंने पूरे साल बीएड कर ली तो उस कॉलेज में कुछ अनियमितता थी, उस कॉलेज की गड़बड़ी थी, जिसके चक्कर में सरकार ने उस कॉलेज की